Hello friends, welcome back to my channel Live Young Films and I am Sriparna. पिछले एपिसोड में आपने देखा था our journey from Mumbai to Mahabaleshwar और आज इस एपिसोड में हम कवर करने जा रहे हैं महाबलेश्वर के बहुत सारे खूबसूरत प्लेसेस जिन्होंने भी एपिसोड 1 नहीं देखा है वो प्लीज जाकर एपिसोड 1 को पहले देख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाबलेश्वर के जो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है वो है महाबलेश्वर टेंपल। महाबलेश्वर शिव जी के और एक नाम। कहा जाता है कि ये मंदिर 4,500 साल पुराने हैं। इस मंदिर के मन मोहित करने वाला आर्किटेक्चर सबसे खास है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। मॉर्निंग के 6 बजे से इवनिंग के 7 बजे तक ये मंदिर ओपन रहती है। अभी अभी हमने वो महाबलेश्वर के टेंपल विजिट करके आए। महाबलेश्वर इस प्लेस के नाम उसी टेंपल के वजह से ही हुई है। महाबलेश्वर टेंपल के अंदर कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अभी हम जाने वाले हैं इसी मंदिर के पास कृष्णा देवी टेंपल में। कृष्णा देवी टेम्पल को कृष्णा रिवर के ओरिजिन माना जाता है। इसी मंदिर में जो शिवलिंग है वो बेहद ही खूबसूरत है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है इसका स्थापना पांडवों ने की थी। शिवलिंग का फोटो लेना अलाउड नहीं था इसीलिए शिवलिंग का फोटो हम ले नहीं। अभी हम निकल पड़े हैं दूसरे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत पॉइंट्स हैं जो अभी हम विजिट करने वाले हैं और वो सभी पॉइंट तक पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आपको सीढ़ियों से चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट जैसे कि मेलकॉम पॉइंट, इको पॉइंट, हंटिंग पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट, सावित्री पॉइंट एक्सेट्रा बहुत सारे पॉइंट है। इन सारे पॉइंट में से आर्थर सीट पॉइंट सबसे पॉपुलर है। फ्रेंड्स, अब हम घूम के आए हैं मेलकॉम पॉइंट, सावित्री पॉइंट एंड आर्थर सीट और वहाँ पे इतना सीढ़ियाँ है चढ़ते चढ़ते बिल्कुल थक गए हैं और अभी मास्क पहन के सीढ़ियों पे चढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। और अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट हेड पॉइंट देखने के लिए। दिस पॉइंट इज रियली अमेजिंग। और वो रहा एलिफेंट के ट्रंक जैसे पहाड़ जिसको देखने के लिए नीलू पॉइंट आए हैं वो पहाड़। और आप जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसे आप किसी न किसी बॉलीवुड मूवी में पहले जरूर देखे होंगे। इसे शूटिंग पॉइंट भी कहा जाता है। महाबलेश्वर के बहुत ही फेमस इस पॉइंट का नाम है किड्स पॉइंट। और अभी हम आकर पहुंचे हैं महाबलेश्वर के स्ट्रॉबेरी फार्म पे। महाबलेश्वर इज आल्सो फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉबेरी फार्म्स। सो महाबलेश्वर में आकर आप स्ट्रॉबेरी फार्म जरूर विजिट कीजिए। और यहाँ पे कुछ लोकल स्ट्रॉबेरी फार्म भी है जहाँ पे आकर आप खुद अपने हाथों से स्ट्रॉबेरी पिकिंग भी कर सकते हैं।
के बाद स्ट्रॉबेरी क्रश जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही फेमस है और अभी मैं लेने वाली हूँ एक स्ट्रॉबेरी और एक मलबेरी क्रश। इतना फ्रेश डायरेक्ट फार्म से किया हुआ स्ट्रॉबेरी क्रश का टेस्ट ही कुछ खास है। स्ट्रॉबेरी और मलबेरी क्रश बनाने का और एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो खत्म होने के बाद आप लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, अब हम महाबलेश्वर से निकल के पंचगनी जाने वाले हैं। वहाँ पे एक साइट है टेबल टॉप। फाइनली हम लोग आ पहुंचे हैं पंचगनी के टेबल लैंड पे। टेबल लैंड पंचगनी के हाईएस्ट पॉइंट है। इसका हाइट सी लेवल से ऑलमोस्ट 4,500 feet है। बॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज के शूटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो हॉर्स कार्ट राइड भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आ पहुंचे वीना लेक। इस लेक पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इवनिंग में हम पहुंचे महाबलेश्वर के लोकल मार्केट। यहाँ पे आपको ढेर सारे शॉपिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे शू के शॉप्स भी हैं, जो दिखने में बहुत ही खास है। मैंने भी यहाँ से बहुत सारे शॉपिंग की खुद के लिए, और इसके साथ साथ हमारे महाबलेश्वर के ये सफर यहीं पर खत्म होते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जल्द ही हम लौटेंगे और एक नई वीडियो लेकर। Till then, take care and keep in touch with us. Thank you.